नमस्कार सर। नमस्कार सर। सर क्या नाम है आपका? विनोद साहू। विनोद जी आप कहाँ से हैं? ग्राम रीकला, जिला राजनांदगांव, छत्तीसगढ़। विनोद जी, संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा आपने कब ली? मैंने संत रामपाल जी महाराज जी से 2015 में नाम दीक्षा ली। संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने से पहले क्या आप कोई भक्ति साधनाएं भी करते थे? जी, मैं संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने से पहले गणेश जी की गणेश चतुर्थी में गणेश 11 दिन तक रखते थे और 11वें दिन ठंडे के बाद उसको धूमधाम से उसको ठंडा भी करते थे, परंतु कोई लाभ नहीं मिलता था। तो फिर क्या कारण बना कि आप संत रामपाल जी महाराज जी की शरण में आए? कारण ऐसा था सर जी, पहले मेरे पिताजी नाम दीक्षा ले चुके थे, उन्होंने पूरे नशा, जितने भी नशा करते थे वो छोड़ दिए थे और मांस मटन जो भी खाते थे छोड़ दिए थे। उसी को प्रेरणा पाकर मैंने नाम दीक्षा 2015 में ली थी संत रामपाल जी महाराज जी से। आपके क्या अनुभव रहे संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने के बाद? या आपको कुछ लाभ भी मिले? जी, सबसे पहले तो दास को आध्यात्मिक ज्ञान हुआ। भगवान का पता नहीं था, भगवान कौन है, परमेश्वर कौन है, वो सबका मालिक कौन है। उसके बाद मैंने संत रामपाल जी महाराज से 2015 में नाम दीक्षा ली और उस दिन से दास कोई भी नशा नहीं करता है जी। दास को बचपन से ही दमा की बीमारी थी, क्योंकि घर वाले में बताया था कि आप निमोनिया वाले हो और दमा वाले हो। दास को पता नहीं था कि इस बारे में, दास पढ़ाई करता था तो खेलते खेलते गिर जाता था, कभी कभी थकान ज्यादा होता था, पसीना आता था, धड़कन की तेज बढ़ जाती थी। इसीलिए जब पापा को बताता था घर में तो वो कुछ दवाई गोली देते थे, डॉक्टर के पास लेके जाते थे, फिर भी मेरा जो दमा था उसका आराम नहीं हुआ। ऐसे ऐसे करते करते करीब 20 साल हो चुका था जी। डॉक्टर बोलते थे कि कुछ और ऊपर डॉक्टर के पास लेके जाओ, ठीक हो जाएंगे ऐसे करके, लेकिन घर की आर्थिक स्थिति खराब थी कि इलाज करने के लिए उतना पैसे नहीं थे। सर जैसे कि आपने बताया कि आप 20 साल से ज्यादा इस दमा की बीमारी से, सांस की बीमारी से ग्रसित थे, डॉक्टर ने आपको दवाई खाने बताया था, तो क्या आप संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने के बाद आपका ये दमा ठीक हुआ और क्या आज आप भी दवाई खाते हैं? नहीं सर जी, जब से मैंने संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लिया है तब से एक दो महीने लगा ऐसे, लेकिन उसके बाद वो दमा कहाँ गई पता ही नहीं चला, क्योंकि मैंने जो नशा करते था उसको पूरी तरह छोड़ दिया था। नशा के वजह से मुझे और कुछ बीमारी हो गई थी, और जब से संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लिया वो पूरी तरह खत्म हो गई जी। जैसे कि मैंने विवाह किया था तो मेरे जो पत्नी थी उसको चक्कर आने लगते थे, थोड़े थोड़े दिन में गिर जाते थे। जब से शादी होके आई थी तो कहीं ना कहीं गिर जाती थी। जब मैंने ससुराल वाले से पूछा तो बोले कि इसका ऐसे ही है, कभी कभी ये जो स्कूल जाती थी वहाँ से उसको घर से उठा के लेके आना पड़ता था, और सदगुरुदेव संत रामपाल जी महाराज की कृपा से आज तक उन्हें ऐसा कोई मतलब चक्कर नहीं आया है, नहीं गिरे हैं। जब मेरी पत्नी प्रेग्नेंट थी तो जब सोनोग्राफी करवाया गया, बच्चे का पार्ट्स था वो पूरा अलग अलग था, डॉक्टर ने बताया था कि नवा महीना हो गया है, इस तरह से कैसे हुआ है अलग अलग, तो हम सबको चिंता होने लगी। तो जब मैंने घर आके परमात्मा सतगुरु रामपाल जी महाराज जी से अरदास लगाया, उसके बाद हम लोग रिपोर्ट लेके घर आए तो बहुत दुखी हुए कि क्या करेंगे कैसे करेंगे। उसी समय हमने नाम दीक्षा ले ली थी संत रामपाल जी महाराज जी से, तो उसी समय हमने दंडवत किया, प्रणाम किया और गुरु जी से अरदास लगाई कि हे परमात्मा, अब हम कहीं नहीं जाएंगे, अब आपके ही कृपा से मतलब आपके ही आशीर्वाद से हम कुछ कहीं नहीं जाएंगे, मतलब डॉक्टर के पास जाएंगे नहीं, आप ही देखना मालिक कैसे करके। उसके बाद जस्ट 15 दिन बाद उसको डिलीवरी होनी थी, तो 15 दिन बाद हम उसे हॉस्पिटल में एडमिट करवाएं। एडमिट करवाने के बाद जब हॉस्पिटल में गए तो उसका डिलीवरी होना था तो बहुत लेट में हुआ था। अस्पताल में लेके गए तो बताया गया कि आपकी जो बीवी है उसको कम से कम एक दिन और रहना पड़ेगा। तो परमात्मा से फिर से अरदास लगाई, है परमात्मा इतना दूर आए हैं कृपया जल्दी करो, ऐसे करके थी। परमात्मा ने सुनी, फिर उसी रात को 3 बजे मेरी पत्नी की डिलीवरी हुई और वो बच्चा स्वस्थ हुआ परमात्मा की दया से। जिस तरह से हमने सोचा था कि हमारे बच्चे अलग अलग है, वो परमात्मा की दया से स्वस्थ हुआ। और इसके बाद जब हुआ तब डॉक्टर बाहर निकले और मेरे को बताया कि इस बार तो बच्चा हो गया है, लेकिन नेक्स्ट बार आप बच्चे की मतलब बच्चे हो नहीं सकते, एक तो आपकी पत्नी बचेगी या बच्चा बचेगा।
उसके बाद 2.5 साल बाद फिर से परमात्मा ने दया की, बच्चे होने वाला था तो फिर से सोनोग्राफी करवाया गया, तो फिर से इसी तरह से अलग अलग पाया गया। लेकिन परमात्मा से फिर अरदास लगाई हमने कि हे परमात्मा, पिछले टाइम ये ऐसे ही हुआ था, इस टाइम भी आप परमात्मा हमारी रक्षा करो, मदद करो। तो संत रामपाल जी महाराज की दया से एक बार सोनोग्राफी करवाया था। उसके बाद जब डिलीवरी हुआ तो गुरु जी की दया से, संत रामपाल जी महाराज की दया से वह बच्चा बिल्कुल स्वस्थ हुआ, बिल्कुल अच्छा हुआ जी। जो सोनोग्राफी है उसको देख सकते हैं, गुरु जी की दया से, परमात्मा के, संत रामपाल जी महाराज की दया से नॉर्मल डिलीवरी, और आज बच्चा स्वस्थ है जी, आप देख सकते हैं। जबकि डॉक्टरों ने बताया था कि बच्चे का पार्ट्स अलग अलग है, फिर भी परमात्मा ने दया करी और वह बच्चा स्वस्थ है जी, आप देख सकते हैं। विनोद साहू जी, आपने बताया कि संत रामपाल जी महाराज से आपने नाम दीक्षा ली, नशा छूटा, आपकी आर्थिक स्थिति ठीक हुई, और सबसे बड़ा चमत्कार जैसे कि डॉक्टर्स ने सोनोग्राफी की तो बताया कि बच्चे के पार्ट्स अलग अलग हैं, तो ये एक बहुत बड़ा चमत्कार संत रामपाल जी महाराज ने आपके साथ किया। तो सर, इस भारत में, दुनिया में और भी संत हैं, संत रामपाल जी महाराज का प्रभाव इतना क्यों है कि जो लोग कहीं से भी ठीक नहीं हो पाते, उनका नशा नहीं छूट पाता, संत रामपाल जी महाराज ऐसा कैसे करते हैं? जी सर, अच्छा पूछा आपने। मैंने हजारों मतलब धर्मगुरु देखे, मैं पढ़ा लिखा हूँ, संत रामपाल जी महाराज का जो शिष्य आए थे उन्होंने ज्ञान गंगा पुस्तक, ऐसे मैं सिटी में था, ज्ञान गंगा पुस्तक मिला, उसको पढ़ा, तब जाना कि परमात्मा पूर्ण कबीर साहेब ही है, और उसकी भक्ति करने से साधकों के हजारों मतलब लाखों कष्ट दूर हो जाते हैं। इसी प्रकार मैंने भी सोचा और संत रामपाल जी महाराज से उस पुस्तक को पढ़कर, और मुझे तो पता था कि मैं नशा करता था, तो उस नशा छोड़ने के वजह से मैंने नाम दीक्षा ली थी जी। सर, संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा कैसे ली जा सकती है? सर, संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने के लिए बहुत सारे मतलब 13 चैनलों में संत रामपाल जी महाराज जी का सत्संग चलता है। टीवी के नीचे पीली पट्टी चलती है इन्फॉर्मेशन, उस नंबर पर आप कॉल करके संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा ले सकते हैं जी। धन्यवाद सर। धन्यवाद सर जी।